What is relative science? Like, share, subscribe my YouTube channel. Today's topic is Phanaria, Phanariales, and Bradyaceae. Its general characteristics. The subclasses of Bradyaceae, including the greater majority of the common mosses, is called common mosses. को हम कहते हैं true और higher mosses. और 15,000 species हमें देखने को मिलती हैं. और इसमें 650 genera हैं. और Bradyaceae का comparison करें mosses के साथ तो 90% हमें mosses की species देखने को मिलती हैं. A leaf has a several cell is thickness and often they are distinct midrib more than one cell is thickness. This is called midrib. Early growth of the embryo by the जो अर्ली ग्रोथ होती है एम्ब्रियो की एंड मीन्स ऑफ टू साइडेड एपिकल ग्रोथ. तो दोनों तरफ एम्ब्रियो की ग्रोथ में एपिकल सेल का रोल रहता है, बोथ ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड आर्जिस्पोरेनियम. आर्जिस्पोरेनियम हम फीमेल को कहते हैं एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ एंडोथीशियम. जो आर्जिस्पोरेनियम है वो डिफरेंशिएट करती है अपने आउटर लेयर एंडोथीशियम. आर्जिस्पोरेनियम इज नॉट आर्चिंग ओवर द कोल्यूमेला. कोल्यूमेला ये सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है. ये अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके देखें कैप्सूल का तो हमें कोल्यूमेला देखने को मिलेगा. ये और ये पिच लाइक सेल बना के देता है, ये है कोल्यूमेला. और इसमें एयर स्पोर प्रेजेंट हैं. एयर स्पोर ये प्रेजेंट है, आउटर एयर स्पोर ये प्रेजेंट है. ये जो कोल्यूमेला है ये स्पोर से घिरा होता है. प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस अराउंड द स्पोर. स्पोर के अराउंड जो है इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलते हैं एंड ट्रांसपोर्ट्ड बाय द ट्यूबरक्यूल्स. ट्यूबरक्यूल्स की बात करें तो ये नैरो और इलोंगेटेड सेल हैं और ये जब हमें ग्रीन सेल बना के दे तब हम उन्हें कहते हैं स्ट्राइब्यूक्यूल्स. एब्सेंस ऑफ एनस्यूडो पोडियम. प्रेजेंस ऑफ सेल बॉल सीटा. सीटा जो है वेल डेवलप है यहाँ पे एंड सर्वल कैप्सूल फॉर अबव द सराउंडिंग लीफ ऑफ द गैमिटोफोर्स. जो कैप्सूल है कहाँ मिलता है हमें, लीफ ऑफ गैमिटोफोर में कैप्सूल मिलता है. कैप्सूल कैसे बनता है? कैप्सूल जो है जब एग की फर्टिलाइजेशन होती है जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो जो है एक प्रोटेक्टिंग लेयर से कवर्ड होता है, उसे कैलीपेट्रा कहते हैं. कैलीपेट्रा फुट बनाता है. फुट के बाद जो है कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है. ये प्रोसेस था कैप्सूल बनने का. और कोल्यूमेला एक्सपैंड अप टू राइट. जो कोल्यूमेला है जो स्पोर सैक से घिरा होता है या इंटरसेलुलर स्पेस वो है, वो क्या करता है एक्सटेंड होता है अप टू राइट एंड लीड टू सराउंडिंग बाय द स्पोर सैक. कैप्सूल बाय द सेपरेशन ऑफ अ लीड. कैप्सूल सेपरेट होंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अ लीड. और कैलीपेट्रा है वेल डेवलप है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है. और आगे है ग्रेटर एलोवेशन एंड कम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल. कैप्सूल कैसे बनता है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. आगे है फिलामेंटस प्रोटोनीमा. एक फिलामेंट है ये ग्रीन कलर की, उसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं. ये फुली ग्रो है और सिलेंडर एंड ग्रीन ब्रांचेस सिस्टम ऑफ फिलामेंट इज कॉल्ड प्रोटोनीमा.